आईपीएस ऑफिसर्स के ट्रांसफर हुए। आशीष तिवारी पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद बने हैं। हिमराज मीणा पुलिस अधीक्षक कौशाम्बी बनाए गए हैं। अशोक कुमार पुलिस अधीक्षक पुलिस मुख्यालय बनाए गए। वहीं राधेश्याम पुलिस अधीक्षक पुलिस मुख्यालय बनाए गए हैं। तो एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें यूपी में 4 आईपीएस ऑफिसर्स के ट्रांसफर किए गए। आशीष तिवारी पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद बने। हिमराज मीणा पुलिस अधीक्षक कौशाम्बी बनाए गए। वहीं अशोक कुमार पुलिस अधीक्षक पुलिस मुख्यालय बनाए गए हैं और राधेश्याम पुलिस अधीक्षक पुलिस मुख्यालय बनाए गए हैं। तो यूपी में 4 आईपीएस ऑफिसर्स के ट्रांसफर किए गए। चलिए इसी खबर पर जानकारी के साथ हमारे स्टेट हेड वीरेंद्र सिंह जी जुड़ गए हैं। वीरेंद्र जी, एक बड़ा बदलाव यहां पर किया गया है, 4 आईपीएस ऑफिसर्स के ट्रांसफर में क्या कुछ कारण रहे जिसके चलते प्रशासनिक फेरबदल यहां पर किया जा रहा है? देखिए, उत्तर प्रदेश में चुनाव आयोग ने 3 जिलों के डीएम हटा दिए हैं। कानपुर के डीएम विशाख जी को हटा दिया गया है और वहां पर नेहा शर्मा को नया जिला अधिकारी बनाया गया है। फरुखाबाद फिरोजाबाद में एसपी गंगवार सूरपाल गंगवार को नया डीएम बना के भेजा गया है और शिवाकांत द्विवेदी जो विशेष सचिव गृह विभाग थे इस समय उनको बरेली का नया जिलाधिकारी बनाया गया है और आशीष तिवारी फिरोजाबाद के नए एसपी होंगे और इसी के साथ हेमराज मीणा को एसपी कौशाम्बी बनाया गया है। चुनाव आयोग में आज बैठक थी और कुछ विपक्षी दलों द्वारा इन जिलों में अधिकारियों की शिकायतें की गई थी जिसकी छानबीन के बाद चुनाव आयोग ने निर्णय लिया है कि फिरोजाबाद और कौशाम्बी के एसपी को हटाया जाए और फिरोजाबाद के डीएम बरेली के डीएम और कानपुर के डीएम इन 3 जिलों के डीएम को भी हटाया जाए। तो यह सबसे ताजा खबर यह है कि शिवाकांत द्विवेदी अब बरेली के जिला अधिकारी बना दिए गए हैं चुनाव आयोग द्वारा और विशाख जी जो कानपुर के डीएम थे उनको हटा दिया गया है। नेहा शर्मा इस समय ग्रेटर नोएडा में तैनात थी, एसईओ थी, अब उनको कानपुर का नया डीएम बनाया गया है। सूर्यपाल गंगवार जो मध्यांचल विद्युत वितरण निगम के एमडी थे उनको फिरोजाबाद का जिला अधिकारी बनाया गया है। चुनाव आयोग ने अभी ये ताजा कार्रवाई की है। जी बिल्कुल जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र जी। तो आपको बता दें यहां पर लखनऊ में एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला है और बड़ी कार्रवाई की गई और यूपी में 4 आईपीएस ऑफिसर्स के ट्रांसफर किए गए हैं।